कोतवाल ये रही बाबू ने तो कहिए कि हमके झरहिया बनवा देवे हमके ओटवा दिया ये देश फिर देश के मंटू अंतु के छना है। नमस्कार हमी पश्चिम नवलप्रासी को सरावल गांव पालिका वडा नंबर 6 अंतर्गत मधवलिया प्रौना मधवलिया को इस भाग में आई सकेका छन्। र तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ निकै यस ठाउँ जलमग्न भइराखेको अवस्था छ र यहाँ वरपरका हरेक भूभाग जलमग्न भएको अवस्था छ र साथसाथै यहाँका भूभाग मात्रै नभएर कतिपय घरहरू विस्थापित भइसकेका छन्। जो आफ्नो नाते रिश्तेदार कहाँ उहाँहरू गएर आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित बनाउनको निम्ति बास स्थान छाड्नु भएको छ र तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आवत जावत निकै कठिनाई भइरहेको छ र यहाँको भूभाग मा विभिन्न घरहरू डुबानमा परिराखेका छन् र गत वर्ष पनि यस्तै बाढी डुबानले गर्दा यहाँका हजारौँ बिघा अन्न बालीहरू नोक्सानी भएको थियो भने अहिले पनि जो व्यक्तिले छिटै खेतीपाती लाउनु भएको छ जो धान खेती लाउनु भएको छ उहाँको 95% पनि नष्ट हुने सम्भावना हामीले हेरिराखेका छौँ। किनभने यो पानी भनेको एक हप्तासम्म यदि पानी परेन भने एक हप्तासम्म पनि यो पानीको बहावट निस्किनलाई समय लाग्दछ र साथसाथै पानी लगातार परिराखेको छ। मुसलधारे लगभग 3-4 दिनको मुसलधारे पानीले गर्दा यहाँको ठाउँहरू निकै जलमग्न भइसकेको छ र कम्मर जतिको पानी त बाटोमा पक्कै पनि छ। हामी हिँडिराखेको अवस्थामा कम्मर जति पानी हामी लौरोको सहारले यस क्षेत्रमा हामी अवलोकन गरिराखेका छौँ र पक्कै पनि यस क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई निकै कष्टकर जीवन बिताउन परिराखेको छ। यस कष्टकर मलाई यस भूभाग र क्षेत्रमा लक्ष्मीकान्त चौधरीज्यूले अवलोकन गराइराख्नु भएको छ। हामी म र उहाँसँगै यस क्षेत्रको अवलोकन गरिराखेका छौँ र पक्कै पनि तपाईँलाई अन्य भूभागलाई पनि हामी हेराउने नै छौँ। अहिलेको लागि तपाईँलाई ध्यानकर्षण म अन्यतिर पनि गराउँछु। व्यक्ति लोगन के घर में पानी ढुक रहा हुआ कहाँ जाग रहे हो तना कहाँ रही है छत के ऊपर बालक के कहाँ बात के कहाँ बता करी कितना वर्ष हो गया यहाँ बाढ़ आई ऊपर वर्ष हो गए 55 वर्ष ले हो गए। आपके कितना उम्र है? हमारे 82 वर्ष हो गए। कैसे पानी पियल दला जैसे कि धारा में भी तमाने पानी है वो पानी हो जाला कहीं जा कैसे धारा पानी कैसे पियल जाला बाबू वह पैक वह पनिया किए जाने का करी के उनका गाय वाला धारा वाला बाहर गाय हाँ देखे वाला नाय का मंत्री मंत्री सब गाय बाहर का मंत्री लोग है जैसे कि नवल परासी में भी अब तमाने बेर मंत्री बनल वाला बने ना लोग है वो लोग है ना ही देख रहा हलवा ना चनाय बाबू चनाय आय देखे उनका पर ये ग्राही बाबू ने हाँ कहिए कि हमके झरहिया बनवा देवे हमके ओटवा दिया जराई बनवा वो जीत गए कहूँ ना एको बना एको नाई ही देश फिर देश के मंटू अंतु के छना है। आप कथी कहल चाहत वाली जा नेता लोगन? अरे बाबू हमारा कुछ ना कहता नहीं खाली कुछ केहू ना करे सरकार झराई बनवा दे अपन लोग राय चल जाए हम अपने राय चल जाए और झराई बनाई तब हुई
और कल्याण नहीं हुई। या तो बाबू बढ़ना दोनों तरफ से एकदम चुनवा दे तब समस्या समाधान हो, समस्या हो और कुछ ना। या तो झड़ाई अपन रहे कहीं या तो धन्यवाद बढ़ना खत्म कर। आपके नाम कहाँ के चाचा? हमार गणेश प्रसाद चौधरी। कितना उम्र कह लीजिए? 82 वर्ष हो गया आपको। और यहाँ के स्थानीय जनता लोग जब पानी आवेला तो कथी करे लोग, सावधानी कैसे अपनाए न लोग, कहाँ रहे न लोग यहाँ के जनता लोग? देखा जनता कहाँ कहीं आऊका चरकी पर घूमता है लोग, जब से हमारे घरों में हले पानी। कब से भाई लेना पानी? ना पानी सवेरे में बढ़ा टाइम नाती है तो होना रहा है आई सवेरे से ना भाई ले धारा उतना बुड़ल बटे वो कैसे आपसे पानी पी लेना धारा बुड़ल बात और टॉयलेट के टॉयलेट भी लगातार बुड़ल बटे टॉयलेट खाती जाए जला दादा टॉयलेट में और यहाँ आप सुतल दे ना। आप कहाँ सुतल दे यार? अभी हम सुतल रहा टिक्का करे गए यार, घर छोड़ के तो भागे के नहीं देने अब यहाँ रह के तो माना ले अवती माना करे करे बाबा ने उनकी यारी और घर में सामान बस और ओके देखे बैल। जैसे कि हमेशा अब पानी यहाँ आते रहेला पानी से बचे के लिए तमाम जनप्रतिनिधि जी लोग भी जीत के जा रहा बना कथी कर रहा बने, जैसे उड़ा नंबर 6 के उड़ा अध्यक्ष जी लगाए थे मंत्री जी गाँव पालिका भाषण दे के चल जाना तब की बारी भी आना मंत्री जी तो जरई साफ करा दे के जरई बनवा दे के जरई के कोनो सुनवाइया नहीं बा हर साल तक जा रहे हैं कह के चल जाइए मंत्री जी लोग उनके का कहा जाए अब की पारी मंत्री जी लोग जीतल बना लेकिन कोनो सुनवाई तो नहीं बा। खाए पिए के कैसे बाटे? खाए पिए तो इन्हीं के पसनिए बा सब अब कहाँ खाना बनाए के चक्कर पे खाना बनाओ तो जा कुछ कुछ सामान घर गए तो कहाँ से आप जल्द अब घट गए तब इन से क्योंकि घर से मांग के खाए कि क्या करिए। यहाँ रामपुर खड़ना का नेपाल कोने कोने गली गली सब जाना था और 2017 साल से बाढ़ यहाँ आवा था। यहाँ के आदमी कितना परेशानी बना कितना मुसीबत बना वही तो जे बात जो नेता लोग आवा लोग अवतर देख कर जिता था हम जोन बाकी हम हाई बनवा दे भाई जरे व्यवस्था करा दे हाई से व्यवस्था करा दे और फिर करो सारे ना सुनो तो लड़ाई करा था वोट पा गए पूरे पैसा कमा था यहाँ जो चूड़े बाहर में जा यहाँ जैसे कि इतना ज्यादा पानी बटे आप सबके खाए बनाए के लिए ईटा जोड़ के सब बना वाला खा रहा जो है का करिए ईटा जोड़ के नीचे पसे जला टीन से सब बना वाला खा रहा यहाँ टॉयलेट के लिए बड़ी शासन था कितनी परेशानी टॉयलेट नहीं बा टॉयलेट नहीं बटे आदमी कहाँ रहा टॉयलेट इतना इतना पानी बा मां तनी मर्द आना तो चल रही है लेडीज कहाँ जी है लेडीज के लिए बहुत बड़ा समस्या है यहाँ। और कोनो बीमारी हो जाला तो आप सब दवाई दर्पण कराए कहाँ ले दर्पण? अरे बाबू बीमारी हो जाला तो दवाई करावे सब कहाँ जाए फिर डॉक्टर बेचारा आज यही जा बस यही जा बेचारा दे लाख 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया ले क्या कहाँ के जाए दवाई करावे जेकर पैसा कड़ी हो भागे चल जाए गोपीगंज जाए दवाई कराई या मुसीबत वाला रास्ते रहे जाए कहाँ दवाई करावे अब ये मुसीबत तो केहू के बीमार पड़े देखा हर लाल के फाड़ी मार दे बा वो बेचारा कौन हिसाब से जाए हर लाल फाड़ी मार दे कौन हिसाब जाए कौन साधन आई भाई यहाँ अभी इतना पानी आपके घर में ढूक गए बटे खाना बनाए बनाए के आप सब वो टोला में से केहू के मोहला तो दे देला और नहीं तो सीधा पानी रहला तो दिया जला जो पका के जाली से खा
अब जैसे अब यहाँ एक ठो खाट लगवाता दू ठो तख्ता लगवाता कहाँ सुतल जना आप सब? अब सुते के जब बहुत असमाई हो जाये दूसरे घरे सुतब पनिया में तो वही जा सुत। जैसे कि अब यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि जो ओड़ा देश जी बान बाढ़ी अवलोकन करे ना ही ना देखे ना आई दवाई दर्पण यदि कोई बीमार हो गए कहाँ जाए जला दवाई दर्पण कहीं करे? दवाई कहीं सुविधा नहीं बाही मारा चाहे जिया एक तो इंजन मेडिकल कूलर बा बुझावा का वो बेचारा पानी में नहीं आई कैसे आवे। जैसे आप कहत बढ़ जाए पुराना ढेर वर्ष हो गए यहाँ बाढ़ी आवेला पानी बाढ़ी चल गई बाद कैसन कैसन रोग कुली देखा पड़े रहा? रोग तो बहुत खांसी आवेला और कुछ आवेला कितना जने बुखार आवेला फसलियो सब खत्म हो जाला फसलियो से जिए के बा मरे के बा जब हानि हो जाला तो हर प्रकार के कष्ट आदमी के जैसे कि छाला संबंधी रोग कुली खजली उजली यहाँ वहाँ खजुआ के दवाई कहाँ मिला था या पंचायती पर है तो कही है कि बेच बेच के बेच पंचायती पर दवाई बिल्कुल मेडिकल वाला नहीं चाहिए सही बताओ तो नहीं मेडिकल बिल्कुल नहीं चाहिए कि दवाई बेच बेच के लोग खा लेते ना अपने पैसा लोग ले आता ना और दूसरे के पैसा नहीं देता ना दवाइया नहीं देता ना दवाई है दवाई बटला नहीं हुआ कैसे जाना दवाई आपकी दवाई बेच दे ना बोले गले पर मिलता नहीं दवाई कहाँ से गई दवाइया नहीं तो जैसे कि बाली नाली भी अब इतना पानी आये बाटे असो होए की संभावना कितना बाटे चल जाता आदमी दवाई करा ले कहीं करा ले कैसे खाए वैसा कल जला आप सब जब की धतूरी के ऊपर चल जला के कहाँ चल जला के कहाँ चल जला के लेकर विदेश भाड़ा वो से रोटी रोटी चला ला सरकार क्षतिपूर्ति नहीं दे रहा आप सबके अब इन तक नहीं मिल रहा बाली बीमा होला कि नहीं नहीं बोला नहीं बोला बाली बीमा नहीं होला बाबू ये तो लोग परेशानी बड़ा हर एक मास मच्छी से इतना दिन से पहले तो दवा नहीं छिड़काता क्यों के दवा नहीं हो पाता कोई को कोनो समाधान नहीं होता अब बाढ़ पीड़ित में ना लोग परेशान बना ये तो बा और सांप भी अब इतना पानी पर रहो सांप कितना देखा पड़ा बाढ़ी से आप सब बचे के लिए कैसे सावधानी अपना रहल बड़ जा? अरे दादा सावधानी तो बहुत बहुत नेता है ना हमन के बहुत सावधान कहने लेकिन कोरोना सावधान कुछ ना जाए हमन के ऐसे मरते बानी संवेदनीय हर साल के बात उतने बा आ पर साल से एको मुठ्ठा हमन लोन के अनाज पानी नहीं होता आज असमो सब समझल जा हमार श्रीमान सब जवन बा कि बुआ गई बा बैठ गई बा अब एको हासिल नहीं बा ते जैसे आप सबके बाली नाली नष्ट हो जाला तो कैसे खाई जाला आप सब? अब बोल खरी खाई जाला कैसे विदेश विदेश से कहीं से लान के मजदूरी करके यह तब बा रोजी रोजगार हम दूसर बा का। और जैसे कि अब यहाँ हमेशा बाढ़ी आवेला ते आप सब घर बनावत के सावधानी अपना के नहीं बनावल देला कि खाले जगह बाटे कि जैसे बनावल देला उसने में ही पानी पड़ जाला? अरे दादा हर साल पटावल जाता लेकिन का कइल जा आप सबके घर में पानी ढुकल बा कहाँ जात बड़ी जाओ आप सबके चाउर और अवरी कैसे ता करत बड़ी जा लत्ता कपड़ा ले जात बड़ी जा अन्य कुछ पशु लोगन जैसे चौगा लोग रहे ना वो लोगन नहीं बना लोगे आप सब वहाँ अब रहा नहीं
दर्शक महानुभाव हामी अहिले नौनिहामा गइराखेका छौँ सराबल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 यसमा छौँ र तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ अघि नै यहाँसम्म पानी थियो बाटोमा भने अहिले पनि पानी धेरै छ यहाँ हामी यहाँको गतिविधि बुझ्नको निम्ति र यहाँको समस्या बुझ्नको निम्ति हामी निरन्तर जारी छौँ र मलाई यस गतिविधि बुझ्नको निम्ति यहाँका तथ्याङ्क सङ्कलनको निम्ति हाम्रा यहाँका वडा नम्बर 6 निकै सहयोगी मित्र घनश्याम चौधरीज्यू लक्ष्मीकान्त चौधरीज्यूले सहयोग गरिराख्नु भएको छ र तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ ऊ त्यहाँ हेरिराखेको घर जुन कि निकै विस्थापित भइसकेको छ यहाँका घरका व्यक्तिहरूले घर छोडेर अन्तै गइसक्नु भएको छ धारा सहित घर पनि डुबिसकेको अवस्था छ र ऊ अगाडि पनि देखिराखेको घर पनि तपाईँहरूलाई हामीले हेराउन सक्छौँ त्यहाँ घर डुबिसकेको छ र कम्मरभन्दा माथि पानी छ हामीमा र साथसाथै यहाँका समस्या समाधानको निम्ति कतिको चासो राजनीतिक दलका व्यक्तित्वज्यूहरूले दिइराख्नु भएको छ यहाँका स्थानीय जनताबाट पनि हामी बुझिराखेका छौँ र साथसाथै ध्यानाकर्षण पनि हामी गराउन चाहन्छौँ तपाईँहरूले यस क्षेत्रलाई भोट बैङ्कको रूपमा मात्र नलिएर यहाँका स्थानीय जनताहरूको समस्या बुझिदिनुहोस् र यस्ता विस्थापित घरहरूलाई पनि तत्कालको लागि राहत को साथसाथै एउटा रणनीतिक योजना बनाउँदै यस क्षेत्रलाई कसरी डुबान क्षेत्रबाट मुक्ति दिलाउन सकिन्छ तपाईँहरूले यसलाई रणनीति बनाउँदै अगाडि बढाउनुहोस् भन्ने बाढ़ी से बचे के लिए आप सब कथी सावधानी अपना रहा लड़ जा हम पास जन ऊंचा जगह बा वहाँ ऊंचा जगह पर जन भी अपना सामान बा घर के चावल दाल सब ले आके ऊंचा जगह पर रखा तनी सभी और नेट के मार्फत जो हमकी जानकारी होता ऐसे हम पास कहना है कि मौसम खराब होने से हम पास अच्छा कहीं पर कहना है मैंने ऊँचा कहीं पर रखा और जैसे यहाँ के अब अन्य व्यक्ति लोग जो विस्थापित हो जाता ना वो लोग के आप सब व्यवस्थापन कहाँ कर रहे हो उस सब के दो विपद व्यवस्थापन सेल्टर बनल बा उस सेल्टर में हम पास ले आके वहाँ पहुँचा देता नहीं सभी और उस सब वही खाना दाना बनाता सब और जैसे ई अब लम्बा समय से यहाँ बाढ़ आ रहा बा हमेशा यहाँ के राजनीतिक दल के व्यक्तित्व लोग जैसे कि अब नवप्राशी से हमेशा मंत्रिमंडल में कोनो न कोनो व्यक्ति पूग रहा बा वो लोग यहाँ के समस्या के समाधान करे के लिए पहल कितना कर रहा बना यहाँ के जो नेता दोनों भी नेता बादल में जब यहाँ आवता ना तो यहाँ के हमन की मेन समस्या डुबान है बाढ़ है हमन के समस्या 60 हो गई समस्या रखत रखत हमके दिख हो गई नहीं सभी वहाँ जब भी आवल जाता तो यह कहल जाता कि आप लोग इस साल बाढ़ देखल जाता अब बाढ़ नहीं देखल जाए उ लोग पर हम पथ के झूठा आश्वासन दे के झूठा प्रतिबद्धता देखा के हमके वोट ले लेता है और जाके कहना केंद्र में गई बाद यहाँ के दुबान के विषय में कोनो बात नहीं रखा था ना सर और यहाँ के समस्या जैसे कि तैसे बाटे आप अवलोकन कलबे कर गया देखल जाए हिसाब से आज 7 से हम के भगत आवता नहीं सके लेकिन यहाँ के नेता लोग खाली मंच पे चढ़ने पर राष्ट्रवादी बनाता ना मदेशवादी बनाता ना और विकासवादी बनाता ना लेकिन जब कुर्सी पर गए पर जब केंद्र में पहुँचने पर यहाँ की समस्या के बारे में कोनो पहल करे वाला नहीं बाटा सर और जैसे कि अब एक ठो जनता लोगन पर भी एक ठो आरोप आवेला कि समस्या के समस्या आवत के समस्या उठान करना और जब चुनाव निर्वाचन आवेला तब जनता लोगन दारू मासू में बिक जाना
अब यहाँ के जनता सुझाव आता है, सुझाव नाते आके यहाँ बहकाव में आता है कि दारू मासू खियावता है और कहता है कि ठीक बा आपकी भाई दारू मासू खियावता नहीं सभी, आए वाला समय में आप लोग पास के बाड़ी के समस्या हमारे समाधान कर दिया जाए। इतना कह के हमेशा झूठा, हर एक बस हर एक चुनाव में झूठा आश्वासन मात्र देता है सब, और दे के फिर वह करवा करता है, फिर वह स्थिति में हमारे बढ़ाता नहीं सभी, फिर वह बाढ़ी में हमारे मरता नहीं सभी। यहाँ तक यहाँ सब डुबान भगनाते यहाँ अले जैले के गाना साधन शोध भी नहीं बा, जौन की आदमी यहाँ बीमार हो जाता, बीमार भले के बाद ओके रास्ता नहीं मिलता, कैसे हम जाए कि दवाई कराए अस्पताल में कैसे जाए, ये स्थिति यहाँ के बात है। और जैसे कि एक जिज्ञासा ये भी मतलब हो रहा बाटे अन्य व्यक्ति लोगन के भी कि हमेशा वह नेता मंत्रिमंडल में पुगत ना, हमेशा आश्वासन वह देखावत ना समस्या समाधान कदम, मगर जनता हमेशा कहे उ लोगन के बहकाव में आ जा रहा था ना। जनता के प्रलोभन दे के पैसा दे के दारू दे के मासू दे के खिया के बहका के उ लोग का ना वोट हमेशा लेता ना सब, कहे से कि जनता सीधा साधा भले के मौका के फायदा नेता सब बताना सब। अब हमेशा आप सबके धोखा पहले पर अब निर्वाचन भी नजदीके आ रहा बाटे, एमे आप सबके डुमान क्षेत्र के बासी लोगन के रणनीति का हो सके? अभी नमा बासी लोग के रणनीति बा कि हमन पक्ष के पाली नंदन चरावल गांव पालिका प्रतापपुर गांव पालिका के गांव के बासी लोग के ये योजना बा कि हमर के बहिष्कार कर दिया जाए, चुनाव आए वाला चुनाव में हमर के बहिष्कार कर दिया जाए। बहिष्कार कई देले से समस्या का समाधान हो सकेला? अब ओसो मरता नहीं सभी, ओसो मरता नहीं सभी, यहाँ की जनता ओसो मरता ओसो मरी। और जैसे जैसे कि अब यहाँ अब इतना बाढ़ आ रहा बाटे और कोनो बिरामी हो जा रहा बाटे, दवाई दर्पण कहाँ होता है यहाँ के जनता लोग? यहाँ के जनता लोग के दवाई अभिनवा तक जब हमन के रास्ता सब बंद हो गए बा, रास्ता बंद भैले के नाते यहाँ के जनता यही खुद पड़ल बा, और यहाँ नाई के भी व्यवस्था नहीं बा कि नाई पर बैठा के हम ले जाए जा दवाई करल जा, यहाँ यहाँ खैले के भी परेशानी बा, आदमी के खाए के भी व्यवस्था नहीं बा, लेकिन क्या करे आदमी अपने का ना छीमे कि घर से भी सब कुछ ले के खा जियत बा, और दवाई कैले के जो बात करल गए दवाई के अब कोनो नए रास्ता भैले के नाते हम यहाँ की जनता यही का ना है छोटा मोटा मेडिकल में दवाई करा के बाटर। और जैसे कि अब यहाँ इतना पानी आवत के यहाँ सांप गिजोर या रोग व्याधि कितना के लागे ना? अब यहाँ सांप तो बहुत कहाँ से कि जब चारों तरफ जब पानी पानी बा तो सर्प सब आके घरों में आवता ना, उसके बाद जब बाढ़ी निकलने के बाद यहाँ डायरिया झाड़ पखाला जो है रोग ये कहना ज्यादा ज्वर हो गए टाइफाइड हो गए ऐसा रोग कहना ब्याज यहाँ ज्यादा मात्रा में होता, कारण यहाँ के पानी प्रदूषण बा, प्रदूषण भले के नाते यहाँ वातावरण भी प्रदूषण हो जाता, एक वजह से यहाँ के आदमी ज्यादा रोग से भी पीड़ित बाटा सर। अंत में कथी कल सहन पड़ जा सरकार वाला व्यक्ति लोगन के? अंत में सरकार व्यक्ति लोग से ये अनुरोध हम कर चाहत नहीं कि यहाँ के समस्या बाढ़ी के समस्या हमारे 60 साल से भोगत नहीं सभी, यहाँ समस्या निवारण करें सब, यहाँ के समस्या समाधान करें, यह कहत हम कह चाहता है। देखिए समस्या का समाधान मेरे ख्याल से जब तक झड़ैया और धनेवा का संबंध नहीं टूटेगा तब तक यह यहाँ का बाढ़ समाप्त ही नहीं होगा, और इसे तमाम लोग तमाम तरह का अपना तर्क देते हैं लेकिन वो कुतर्क है, मेरे ख्याल से तर्क नहीं है। प्रश्न पनि हामी गराउन चाहन्छौँ तपाईँहरूले यस क्षेत्रलाई भोट बैङ्कको रूपमा मात्र नलिएर यहाँका स्थानीय जनताहरूको समस्या बुझिदिनुहोस्, र यस्ता विस्थापित घरहरूलाई पनि तत्कालको लागि राहतको साथसाथै एउटा रणनीतिक योजना बनाउँदै यस क्षेत्रलाई कसरी डुबान क्षेत्रबाट मुक्ति दिलाउन सकिन्छ तपाईँहरूले यसलाई रणनीति अपनाउँदै अगाडि बढ्नुहोस् बढाउनुहोस् भनेर आग्रह गर्दै हाम्रा दुवैजना मित्रज्यूलाई लक्ष्मीकान्त चौधरी घनश्याम चौधरीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अहिलेको लागि यो भिडियोबाट म बिट मान्न चाहन्छु।